नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं मुझे देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, आज जो है मैं जा रहा हूं रोपाई करने। तो बहुत टाइम बाद ही आप ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने का। तो सोचा आज ब्लॉग बना लूँ आपके लिए और आपको भी मैं दिखा दूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे जो है वो। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बहुत सारे ब्लॉग यहाँ पे बना रखे हैं इस चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कर रखे हैं। पर अब जो है थोड़ा एडवांस हो चुका है, यानी एडवांस लेवल। पहले जो है बैल थे हमारे पास, मतलब हम इधर उधर गांव से लेके आते थे बैल किराए पे रेंट पे, और फिर लगाते थे जो हल वगैरह होता। लेकिन अब ऐसा है नहीं, क्योंकि अब हमने ट्रैक्टर ले आ चुके हैं, तो अब हम ट्रैक्टर से ही लगाएंगे। और पूरा प्रोसेसिंग आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी ट्रैक्टर से जो है रोपाई कर सकते हैं पहाड़ों में, और अपने खेतों को आप जो है जो भी आपने अपने बंजर खेत रखे हुए हैं उनको आप आबाद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। और यहाँ पे मम्मी जी हमारे पीछे खाना बना नाश्ता बना रही है हमारे लिए। तो अभी बज रही है सुबह मॉर्निंग की 6 बज रही है, और मैंने अंकल को बोला है कि अंकल आज मेरे साथ आ जाना, और क्योंकि मैं अकेला हूँ और पापा जी का थोड़ा पैर लग रखा है क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था बाइक से बीच रास्ते में, ऋषिकेश से आ रहे थे। तो थोड़ा बहुत मतलब वो अभी मतलब परफेक्ट गाड़ी चलानी उनको नहीं आती, तो मैं सिखा रहा था तो हल्की मतलब एक्सीडेंट हुआ, तो उस चक्कर से पूरा उनका पैर थोड़ा डैमेज हो रखा है हल्का, और इस वजह से वो पानी में नहीं जा सकते, डॉक्टर ने मना कर रखा है। और फिर ऐसा है कि मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरी भी थोड़ा चोट लग रखी है, बट कोई नहीं, मैं झेल लूँगा इस चोट को। बट और अंकल जी मैंने इसलिए बुला रखे हैं ताकि अंकल मेरे साथ थोड़ा हेल्प कर पाएँ। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते से, और यहाँ पे ये हमारा रास्ता है, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं जो है अपने बगीचे से जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं आपको अपना बगीचा भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सारा मतलब बहुत बड़ा बगीचा है ये। तो ये काफ़ी पहले मैंने ये बगीचा, इसमें हमने पेड़ वगैरह लगाए थे, तो जो अब फल हमें फल देते हैं। और मैं आपको रियर कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा ताऊ जी का घर है, और मॉर्निंग की अभी 6 बज रही है, और ये यहाँ पे अमरूद के पेड़, केले के पेड़, आम के पेड़, अखरोट के पेड़, यहाँ पे आपको सहतूत, पूलम और पता नहीं क्या क्या माल्टी वगैरह। और ये देखिए आप, ये भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, तो मतलब ये गार्डन पूरा बना रखा है। और ये देखिए आप, सामने हमारा यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे लमगांव है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जूम करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से, और बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, और पीछे भी ना आप नज़ारा देख सकते हैं आगे का पीछे का। चलिए चलते हैं खेत की तरफ। और दोस्तों पहाड़ों में ठंडा मौसम काफ़ी है, मॉर्निंग में ना इतना ही ठंड लग रही है ना इधर, आहा बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम ये खेत जो है ना हमारा, इतना बड़ा खेत है, जो ये खेत हम कल लगाएंगे, कल मॉर्निंग में, तो इसको मैं कल ले लगाऊंगा। अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे हम लगाएंगे। चलिए यहाँ से देखिए आप, हमारी नहर है ये, इस पर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, तो आप जाके वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना कि ये पानी जो आता है ना ये कहाँ से लेके आते हैं, हम कैसे लेके आते हैं, पूरा प्रोसेसिंग उसमें मैंने बता रखा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस तरीके से पहाड़ों में हम पानी लेके आते हैं अपने खेतों के लिए। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पानी आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो अभी यहाँ से सामने ये जो आपको खेत दिख रहे हैं, ये हमारे गांव वालों के खेत हैं सारे, और ये हमारे खेत हैं इधर साइड। और यहाँ से मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। ये जो सामने जो आपको दिख रहा है ये डेयरी है, डेयरी फार्म जो कि लमगांव में है, और वही यहीं से सुबह मॉर्निंग में दूध सप्लाई होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकल जी यहाँ पे बैठ रखे हैं, और ये अभी दूध लेके जाएंगे लमगांव, सुबह मॉर्निंग में जाता है और शाम को भी यहीं से जाता है। और यहाँ पे ये बगल में जो घर है, ये घर हमारा है, ये जो आपको दिख रहा है ये कच्चा अभी है ना, कच्चा
तो ये हमारा घर है, लेकिन इसको हम बनाएंगे अभी धीरे धीरे। और ये वाला जो है ये भी हमारे अंकल जी का है। और यहाँ से जो है आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हमारा गांव है, सामने आप देख सकते हैं, टॉप पहाड़ी पे है, नीचे नदी है और ऊपर वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गांव है। और गांव हमारा ऊपर भी है, यहाँ पे हमारा मंदिर बन रहा है भैरव देवता के, यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, टाइम मेरे को जब यहाँ पे उद्घाटन होगा तो उस टाइम पे जाऊँगा। और यहाँ से जो है अभी आप देख सकते हैं कुछ खेत में तो रोपाई हो चुकी है, कुछ खेत, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये हमारी माता जी का मंदिर है, मतलब जय माता दी, दुर्गा माता का मंदिर है, ये हमारी कुल देवी जो है उनका मंदिर है। और नीचे जो है रोड आ रही है, और यहाँ से मैं आपको गार्डन का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मॉर्निंग का व्यू आप देख सकते हैं, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना ये प्रताप नगर है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे पहले राजा हुआ करते थे, उनका नाम था प्रताप शाह। तो एक थे नरेंद्र शाह, एक प्रताप शाह, और यहाँ पे प्रताप शाह क्या राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे महल बनाया था, और यहीं पे ये महल है। और यहाँ से आप नज़ारा देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से मैं बगल में करूँ कैमरा तो इधर से आपको गांव दिख जाएगा, सामने हमारा बगल में ही यहाँ पे मौसाड़ी है, और बगल में ही लमगांव है, और सामने ही जुलाण गांव है। चलिए चलते हैं अभी नीचे की तरफ। और ये देखिए अंकल जी आ चुके हैं टाइम पे, ये देखिए, ये देखिए। तो अंकल जी को मैंने आज स्पेशली इनवाइट किया था कि मैं अपने साथ, और ये पापा जी हैं, और पापा जी का पैर थोड़ा लग रखा है तो इस वजह से वो पानी में नहीं जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं अब। तो ये दादाजी हैं, ये देखिए, और यहाँ देखिए आप, ये जो आप सामने से पेड़ देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर ये देखिए नज़ारा। और ये हमारा यहाँ से सामने जो लमगांव है ना, जहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ से हमारा, उसके नीचे से हमारा ये पानी आता है, और वहाँ से ही मतलब ये सारा पानी आ रहा है। और यहाँ इससे आगे इसका एंड है, मतलब इससे आगे ये पानी नहीं जाता है, ठीक है, खेतों का जो पानी है एंड यहीं पे होता है इसका बस। तो यहाँ पे अंकल जी भी पहुँच चुके हैं, अभी हम चलते हैं आगे। चले अंकल जी, आ हा हा हा, पानी में मज़ा, आ हा हा। ये हमारा, ये देखिए नीचे बरसिन जो है, ये बुआ जी लोगों ने, हमारी बुआ जी हैं, उन्होंने ये खेत में बरसिन यहाँ पे गाय भैंस के लिए कर रखी है बरसिन तैयार, और यहाँ से वो बरसिन जो है खाती है यहाँ से। और यहाँ से चलते हैं, और ये देखिए यहाँ पे पापा जी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हो चुका है, चलो अंकल लगाओ जरा दो चार, अंकल जी दिखाओ जरा, आराम से आराम, बस 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 बस, पहले स्लो स्लो, स्पीड स्लो। तो यहाँ पे अरे 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 छोड़ छोड़ तमन छोड़, हाँ ठीक है। अभी आप इसको देख सकते हैं ये कैसे चलता है, ये बस इसमें ये कि टाइम बस ये कि तेल पेट्रोल लगता है बस, पेट्रोल के बाद जो है ना ये जो है 10 मिनट में इस खेत को बराबर कर देगा, मतलब 10 मिनट में, मतलब मेहनत उतनी नहीं है इसमें, बहुत कम मेहनत है। ये देखिए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, ये फोन है पकड़ा थोड़ा, ये फोन है पकड़ा जरा,
सीधो पकड़ जानो हाँ इसको कहते हैं भैया पहाड़ी चीता, ये है ये देखो भैया ये जो ये भैया ये देख लो यहाँ ये देख लो ये चल रहे था धान की रोपाई और ये चल रहा है था पहाड़ी चीता। तो पहाड़ी चीता कहा जाता है ये देख लो उत्तराखंड का पहाड़ी चीता ये दिखा रहा अपनी कलाकारी। बाबा बाबा छोड़ जा रे छोड़ रे बस अब मैं कैमरा अंकल जी के पास देना चाहता हूँ थोड़ा एक राउंड मैं लगाना चाहता हूँ अंकल जी इसको पकड़ना थोड़ा और आप लोग हमारी वीडियो बनाएं आगे जब यहीं से यहीं से बस हो गया इसका काम 5 मिनट में हो गया ये पूरा ये 5 मिनट में 5-10 मिनट का काम है इस खेत में देखिए 10 मिनट में पूरा लग गया वो मतलब ट्रैक्टर का पूरा बहुत अच्छी मशीन है एक तो टाइम बचा रही है अभी दोस्तों मैं जो है घर से चाय लेके आया हूँ ये देखिए आप देख सकते हैं पानी और चाय और ये देखिए आप तीनों खेत जो है क्लियर कर दिए हमने मात्र 25 मिनट में 25 में नहीं 20 मिनट मान के चलिए कि 20 मिनट में हमने ये तीनों खेत जो है ट्रैक्टर से कंप्लीट कर दिए हैं और पीछे ही हमारा घर है और ये खेत है अभी ये वाला खेत जो आप देख रहे हैं ना ये बचा हुआ है बस इसको क्लियर करना है उसके बाद ही हम घर जाएंगे बस 1-1.5 घंटे का काम है ये है कि इस चीज़ से जो है ये जो मिनी ट्रैक्टर है इससे हमारा जो है टाइम बच जाता है और मेहनत नहीं है जितनी मेहनत जो है बैलों के साथ होती है उतनी मेहनत नहीं है लेकिन इतना है कि पेट्रोल लगता है और पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है तो बस यही है कि पेट्रोल की खपत है इसमें और बस टाइम बच जाता है और मेहनत बच जाती है
अभी हम चाय पियेंगे और चाय लेके चलते हैं आगे। और ये देखिए इस खेत में, ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह डाल रखी है, और इधर भी कुछ सब्जियाँ हैं ये देखिए आप। और अभी हम इस बोतल में, मैंने देखिए आप यहाँ पे 2 लीटर तेल लेके आ रखा था पेट्रोल पेट्रोल पंप से। और अभी हम मुँह भी नहीं धुला, अभी सुबह सुबह आ गया था मैं इधर। चाचा चाचा हेलो, तो आवाज़ मार रहा हूँ यहीं पे आएंगे वो, क्योंकि अभी खेत क्लियर हो चुके हैं, अब मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। ट्रैक्टर भी यहीं पे आ चुका है, चलिए यहीं पे बैठ जाते हैं, मैं आवाज़ यहीं से दूंगा उनको, यहीं पे आएंगे वो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हम चाय पीने बैठ चुके हैं, ये 3 खेत हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, और ट्रैक्टर को हमने जो किनारे पे ले गए हैं, एक खेत वहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे अभी चाय सर्व कर रहे हैं। नहीं है, पहाड़ी चीता है वो, पहाड़ी चीता, पहाड़ी चीता। तो पावा जी का पैर लग रखा है, पन्नी बांध रखी है इसमें, और पन्नी बांध के फिर खेतों में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है। और यहाँ पे चाचा जी चाय देना हमें, है चाचा कानून तब चितौना तुम है चाचा जी, कानून ठीक लगन लगी, बल्द बढ़िया कि ट्रैक्टर बढ़िया है, सब ठीक है ना, ना बोली कर तुम्हें क्या बढ़िया, ट्रैक्टर बढ़िया या बल्द बढ़िया, पानी चीता भी ठीक है, है? बोली कर तू ये बोल दा ना, ना ना यार तुमने ट्रैक्टर चलाया था, मैं तो कम चलाई हूँ, ट्रैक्टर क्या तक आप तो सब ऊपर है, है? और मिनगात जब मिनगात कान पे, अच्छा तो मतलब ये है कि मतलब थोड़ा इधर से 2 आदमी चाहिए इसको, नहीं ना उठाने बात है जनता को मैं बांटू खोटो। अब ऐसा है दोस्तों कि मतलब ये ट्रैक्टर जो है ना, 2 बंदे तो इसको उठाने और ले जाने के, एक दूसरे एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने के लिए 2 आदमी तो चाहिए होता है, बस यही इतनी इसमें मेहनत है इसकी। बात बाकी हैवी इंजन है वाला इसका, बात बाकी इसका हैवी इंजन है, पापा जी बोल रहे हैं पीछे से, हैवी इंजन है मतलब ऐसे कि मतलब कहीं भी ले जाओ तुम, कितना भी बड़ा खेत है 10 मिनट में मतलब कंप्लीट हो, मेहनत भी नहीं है, बस ये कि मेहनत इतनी है कि एक खेत से, जैसे यहाँ पे सीढ़ीदार खेत होता है, तो एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने में थोड़ा 2 आदमी लगते हैं। कहना गढ़वाल की पहली पसंद है ये, और गढ़वाल की पहली पसंद है ये, इसको उत्तराखंड में पहाड़ी चीता कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने फाइनल कर दिया, लास्ट के खेत बच रखा है उसे भी कंप्लीट करके हम अभी घर चले जाएंगे, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को आप शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।